नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नए नवेले भाजपाई, पुराने कांग्रेसी। 10 मार्च 2020 यानी होली के दिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने शाह के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की और सिंधिया के बीजेपी में जाने की बात कन्फर्म हो गई। वैसे तो खबर आई कि शाम तक सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले दिन दोपहर तक इंतजार करना पड़ा। फाइनली अब सिंधिया भाजपा के हो गए हैं। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल कराने के पीछे किसका हाथ है। कौन था जिसने बीजेपी आलाकमान के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात पहुंचाई? कौन है जिस पर बीजेपी आलाकमान ने इतना भरोसा किया? न्यूज एजेंसी INS के मुताबिक सिंधिया को अमित शाह से मिलवाने और पीएम मोदी तक पहुंचाने वाले नेता कोई और नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम है। इस्तीफे के ऐलान से पहले सिंधिया दो बार पीएम मोदी से मिले। पहली बार 9 मार्च की शाम, जब खबरें आईं कि सिंधिया समर्थक 16 विधायक बेंगलुरु पहुंच गए हैं। पीएम मोदी से सिंधिया की दूसरी मुलाकात हुई 10 मार्च की सुबह होली के दिन। इस मुलाकात के वक्त जफर इस्लाम साथ लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद थे, जब गृह मंत्री अमित शाह ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। उस समय भी जफर इस्लाम गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी में मौजूद थे। जफर को सिंधिया के दिल्ली स्थित उनके घर पर भी देखा गया। इसके बाद मीडिया का ध्यान जफर इस्लाम पर गया। जफर सिंधिया को पहले से जानते थे, उस समय से जब सिंधिया कांग्रेस के कोटे से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री थे। तब जफर राजनीति में नहीं थे, बैंक में काम करते थे, जान पहचान पुरानी थी। सिंधिया एक साल से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। कभी केंद्रीय मंत्री रहे सिंधिया के पास इस दौरान न तो सांसदी थी और ना ही विधायकी। कांग्रेस ने उन्हें इस कदर नज़रअंदाज किया था कि संगठन में भी उन्हें कोई पद नहीं दिया गया था, यानी सिंधिया का हाथ खाली था। वो करते भी तो क्या, बीजेपी में जाने की सोचने लगे। जैसा कि उन्होंने अपने इस्तीफे वाले पत्र में लिखा भी है कि एक साल से उनके कांग्रेस छोड़ने के रास्ते तैयार किए जा रहे थे। ऐसे में जफर इस्लाम से उनकी पुरानी जान पहचान काम आई। सूत्रों की माने तो सिंधिया ने जफर के सामने बीजेपी में जाने की अपनी इच्छा जाहिर की। जफर ने उनकी बात बीजेपी हाईकमान तक पहुंचाई। इसके बाद ज्योतिरादित्य को बीजेपी में लाने की कवायद और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की पटकथा लिखी गई। कहा जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी की तरफ से सिर्फ लॉजिस्टिक और अन्य सहायता दी गई। पूरा ऑपरेशन ज्योतिरादित्य के मुताबिक ही चला। INS के मुताबिक सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जफर और सिंधिया में 5 महीने से बातचीत चल रही थी। एक और कहानी है जो मीडिया में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनके बेटे गिरीश का रिसेप्शन था। यहाँ पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के अन्य सीनियर नेता मौजूद थे। यहाँ शिवराज सिंह ने बीजेपी नेताओं को ये बताया कि सिंधिया कमलनाथ के खिलाफ बगावत की सोच रहे हैं। सिंधिया खेमे के विधायकों के बारे में भी पीएम मोदी और अमित शाह को बताया गया। इसके 3 दिन बाद अमित शाह ने बीजेपी में सिंधिया की एंट्री को मंजूरी दे दी। कौन है जफर इस्लाम? पहली पहचान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अक्सर डिबेट में बीजेपी का बचाव करते टीवी चैनलों पर दिख जाते हैं। 17 सितंबर 2018 को इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पीएम मोदी के बर्थडे पर। इसका आर्टिकल में उन्होंने लिखा था, मैं फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी काम कर चुका हूं। 2013 में जब मैंने राजनीति में आने के लिए सोचा, उस समय मैं ड्यूस बैंक का MD था। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेताओं से मेरी मुलाकात हुई। मैंने पाया कि सबको सत्ता का लालच है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। इसी दौरान इत्तेफाक से नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात हो गई, जो उस वक्त गुजरात से बाहर अपनी पहचान बना रहे थे। मोदी गर्मजोशी से मुझसे मिले, पूछा कि राष्ट्र निर्माण के सपने के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। 5 अप्रैल 2014 को जफर इस्लाम ने बीजेपी ज्वाइन की थी लोकसभा चुनाव के दौरान। इसी आर्टिकल में वो लिखते हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने की बात उनके घर वालों को पसंद नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के मन में बीजेपी को लेकर एक डर पैदा कर दिया था। मोदी सरकार ने जफर इस्लाम को 2017 में एयर इंडिया का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। इसके साथ ही वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें मध्य प्रदेश का मीडिया प्रभारी बनाया था। 3 महीने से ज़्यादा समय तक वो मध्य प्रदेश में ही रहे। अमित शाह की गुडलिस्ट में जफर का नाम है। जब उन्होंने सिंधिया वाली बात शाह को बताई तो आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया और आज सिंधिया बीजेपी के हो गए हैं। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। कैमरे के पीछे हैं रूहानी। थैंक यू।